वफाकी हुकूमत ने कराची की मर्दमशुमारी पर एमक्यूएम के तहफ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम वफ़ की कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकूल की सरबराही में इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है, साथ लेकर चलेंगे। मर्दमशुमारी समेत दीगर मामलों पर तमाम तहफ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। एमक्यूएम वफ़ ने वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक और अहसन इकबाल पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़ से मुलाकात की, मर्दमशुमारी पर तहफ़ुज़ात से आगाह किया। एमक्यूएम रहनुमाओं ने कहा कराची की आबादी को मामूल से कम दिखाया गया। हुकूमती वफ़ ने एमक्यूएम को तहफ़ुज़ात दूर कराने की तसल्ली देकर वापस रवाना कर दिया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोलियूस के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो कुआन पाकिस्तानी, मुखे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदिया से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समात की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।